एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ जाकर मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं भी कोई पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की और रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिला। वहां उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी वहां से एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया। ऐसे में वह पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा कि इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे ले जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर यह बातें बताई। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता, फिर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को पानी लाने को कहा। अब वह शिष्य वापस से उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ और पीने के योग्य है। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए पानी लेकर गया और गौतम बुद्ध को पानी पिलाया। बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने के बाद उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वह पानी वापस से साफ हो गया। उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब हमें उसे वक्त देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें यह करना यह है कि हम अपने मस्तिष्क को थोड़े देर तक शांत रखें और अच्छे फैसले ले सकें।